मुझे तो लगता है बाबा ने इस घर को लेकर कोई फैसला कर लिया। मुझे भी शक हो रहा है, ये सारा किया दगाना शानी का है। वो चाहता है कि बाबा ये घर बेच दे, इसीलिए मुसलसल उनको प्रेशराइज कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है उनको। सब समझ आ रही है मुझे। बाबा ये घर नहीं, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं आज खुद को बेच रहा हूं। मैंने इस घर का नहीं, अपना सौदा किया आज। कितनी कितनी परेशानियां आए, तुम्हारी माँ कितना बीमार हुई, मगर मुझे कभी ये घर बेचने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे इस घर से बहुत मोहब्बत है। अम्मा अब्बा की यादें वाबस्ता है यहाँ से। हम बहन भाइयों ने अपना बचपन इस घर के आंगन में खेलते कूदते गुजारा। बेटा आज भी लगता है जैसे अम्मा किचन में और मुझे आवाज देंगे कि सिद्धि किया, मैंने तुम्हारे लिए अंडा पराठा बनाया, जल्दी आके खा ले। अब अभी अभी मस्जिद से आएंगे और कहेंगे कि सिद्दीकी कितनी मरतबा कहा है कि कॉलेज से छुट्टियां मत किया कर। हर कोने में घर की यादें जुड़ी हैं, यादें जुड़ी। आपा से नोक झोंक पर अम्मी का डांटना, तुम्हारी माँ का मोहब्बत से देखना, हर दुख में मुसीबत में खुशियों में इस घर ने ही तो साथ दिया था। इस घर ने देखो देखो आज देखो, अम्मा अब्बा तुम्हारी माँ सब मुझे छोड़कर चले गए, मगर इस घर ने हमेशा साथ निभाया और आज मैंने इस घर को छोड़ने का फैसला किया। बाबा आपने क्यों किया ये सब? आपको आपको कोई जरूरत नहीं थी ये फैसला करने की। हम देख लेते हैं, हम देखते हैं वो क्या करता है हमारे साथ, हम फेस करते हैं आपके साथ। बाबा आपको हम पे भरोसा नहीं था, आपने क्यों किया ये? बेटा घटिया लोगों की कोई हद नहीं होती, जब पानी सर से ऊपर हो जाए ना तो डूबने के बजाय खुद को बाहर निकाल लेना चाहिए। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। बाबा मैं आपके साथ हूं। यार बात समझने की कोशिश करो। देखो तुम्हारा भाई और तुम्हारी अम्मा तुम्हें एक्टर तो बनने देंगे नहीं, और तुम्हारी अम्मा शादी के बगैर तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो अगर तुम अपने घर वालों से जान छुड़ाना चाहती हो तो शादी कर लो यार। अरे तुम्हें कहीं तो शादी करनी है ना, तो मैं क्यों नहीं यार, अरे मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें कोई रोक टोक नहीं रखूंगा, तुम्हें जिंदगी में जो करना होगा तुम करना। एक्टर बनना तुम्हें एक्टर बनना है ना? अरे यार तुम एक्टर बनना, मैं बनवाऊंगा तुम एक्टर, वादा। देखो तुम्हारे ख्वाब मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी खुशी एक्टर बनने में, तो एक्टर बनो। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। शानी क्या तुम वाकई मुझे एक्टिंग करने दोगे? अरे बा इतना एतबार तो करके देखो मुझ पे यार। मगर तुम्हारी अम्मी? अरे अम्मा क्या कर लेंगी यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ होगा तो फिर दुनिया की क्या परवाह, तुम्हारा जो जी करेगा वो कर। एक्टिंग करना चाहती है? एक्टिंग करना यार, तुम्हें पूरी इजाजत होगी वो करने की। ओ, शानी कहाँ गया है? ये तुम अरीबा से बात कर रहे थे? कर रहा था। तो क्या बात कर रहे थे उससे? शानी अम्मी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी, तुम अच्छी तरह से जानते हो वो इन सब चीजों से बहुत चिढ़ती हैं। वो ऐसी बहू कभी घर नहीं लेकर आएंगी। अरे तो कौन कह रहा है अम्मा को ऐसी बहू बर्दाश्त करने के लिए? अरे मैं तो अरीबा को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा था। एक बार हाँ कर दे,
अरे बात की बाद में देखी जाएगी, इसमें क्या मसला। चल कमरा सेट कर, कमरा सेट कर। बहुत ही खुदगर्ज इंसान है ये। मम्मी कह रही थी इसकी शादी के बाद मेरे उस घर में कदम मजबूत हो जाएंगे, खाक मजबूत होंगे मेरे कदम। आपा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? मैं सब तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। बुशरा इसमें यखनी है, पहले वो दो अपने अबू को। और ये यखनी वाला पुलाव है, मेरे भाई को पसंद है ना, मैं बना कर लाई हूँ, थोड़ी देर में ये भी दे देना। सारन बेटा तुम मामू की ना जो दवाएं रहती हैं वो लेकर आओ, वो दे दो नुस्खा, जो पर्ची जो है दवाओं वाली। आप इन सब की क्या जरूरत है, मैं जाके ले आऊंगा। हद हो गई सिद्दी, अपनी हालत तो देखो, कैसे सूख कर कांटा हो गए हो, और जब सारे में है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। अनमोल, बुशरा बेटा पर्ची ला कर दो दवाओं वाली। अच्छा सारे बेटा सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे रहने दो, पैसे हैं सारे के पास, ले आए रखो, तुम कहीं काम आ जाएंगे। मगर आपा, अगर मगर कुछ नहीं, सुकून से बैठो। सच कहूं आपा, तो आप यहाँ आती हैं मुझे बहुत हौसला मिलता है, वरना मैं तो कब का हिम्मत हार बैठा था। इस मुश्किल वक्त में अगर आप मेरे साथ ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सदीकी बहन भाई है, हमारे आपस के इख्तलाफ एक जगह, शहीद होते हैं खून के रिश्ते, जब बहन भाई एक दूसरे को मुसीबत में देखते हैं तो तड़प उठते हैं। बहनों का दिल तो वैसे ही बहुत नर्म होता है। सच कहा, बिल्कुल सच कहा। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। अच्छा ये बताओ कि फिर क्या फैसला किया घर का? वो पूछ रही है घर कब जाना है, आकर बता दो उन्हें। अभी तक नाराज है तो नाराजगी खत्म कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई, गलती की सजा भुगत चुका हूं मैं। जानबूझकर जो किया जाए उसे गलती नहीं कहते हैं सारे। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ अनमोल, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी बदनामी भूल जाऊं? तकलीफ तुम्हें पहुंची है तो नुकसान मुझे भी हुआ है। तुम तो मर्द हो सारे, और मर्दों को ऐसे छोटे मोटे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ऐसे नुकसान हम जैसी बेबस लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर देते। तुम्हें कैसे मनाऊं अनमोल, मुझे क्या पता था मेरी एक जरा सी ख्वाहिश इतने बड़े फितने का सबब बनेगी। ये सब उस शानी की वजह से हुआ है, घटिया इंसान।